नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार आपको स्वागत करता हूँ मुंबई का दादर वेस्ट में हार्टलैंड में। ये जो देखिए मुंबई मिठाई भेजने वाला नया जनरेशन का प्रतीक है। इतना साल से हम देख रहे हैं मुंबई में मिठाई भेजने वाला रोको, और ये जो भीड़ आप देखते हैं इवनिंग शॉपिंग है दादर वेस्ट के रूट में। और यहाँ से आगे चलिए मेरा साथ। वेलकम टू मुंबई ऑनलाइन चैनल, आई एम जयप्रकाश नायर। मेरे साथ ट्रैवल कीजिए दादर वेस्ट में शिवजी पार्क और वीर सावरकर स्मारक देखने के लिए। अल्लाह को स्वागतम, कम ऑन। और जाते जाते रास्ते में हम देख रहे हैं इधर जूट बैग भेजने वाले और ये सस्ता में मिलता है, 150 रुपीज़ बोल रहे हैं, लेकिन आपको बार्गेन किया तो 100 रुपया का नीचे मिलने वाला है। और आगे देखिए क्लोथिंग्स वगैरह पूरा लेडीज आइटम्स है, लेडीज ज़्यादा है ये मार्केट में इवनिंग शॉपिंग। और ये देखिए ये 100 रुपये वाला पर्स है, लेडीज पर्स डिफरेंट कलर वराइटीज, 100 रुपये। एक्चुअली मिडिल क्लास पीपल को बहुत अच्छा है ये जो मार शॉपिंग। कितना बोला? 100 रुपये स्मॉल साइज मीडियम साइज। दो लिया तो कितना बोला बार्गेन? इस 100 रुपये वाले का ही सामान भेजने का लाइन लगता है ऐसा है, ये कम नहीं, सब 100 रुपये। अभी ज़्यादा भीड़ होने लगा, ज़्यादा लोग आ रहे हैं। ये मार्केट 9 बजे तक रहता है, रात को 9 बजे तक। ये कितने में? कितने में? एक का 900। कितने का है? 250। एक? हाँ एक। कम भाव है? भाव कम कुछ नहीं सर। नहीं, एक फिक्स है। क्वालिटी अलग है, दो लिया तो क्वालिटी कपड़ा अलग है। ऐसा दो ऐसे कपड़े में आता है 200 का था, लेकिन काटन कपड़े का है। एक कपड़ा देखिए, ये कपड़ा अलग है, कपड़ा अलग है, जूट कपड़े का है। जूट? हाँ, ये जूट कपड़े का है। चलिए, कपड़ा महंगा है। ये कितना में? 200 में आ गया, लेकिन कपड़ा नहीं। ये 200 में, 150 में, 200। ये 250 का, 200 में मिल जाएगा? नहीं। और आगे शिवजी पार्क की तरफ पहुंच गया और इधर देखा एक अजीब सा एक सीन, डिफरेंट सीन। अ गोल्डन बॉय, रोज का आदमी है, इधर आके खड़ा रहता है, स्टैंड स्टिल, ऐसा हिलते नहीं। देखिए कितना अच्छा है, जस्ट डेली ब्रेड के लिए। ऐसे भी न्यू जनरेशन बच्चे ये काम करने को तैयार होता है। देखिए इनका नाम है स्वप्निल, बहुत लोग उसको राउंड मार के खड़े होता है इसको देखने के लिए और हिलाने के लिए, लेकिन वो हिलते ही नहीं। लेकिन अभी वो खुद किया है,
अभी हम पहुंच जाएंगे शिवजी पार्क और वीर सावरकर स्मारक, शिवजी पार्क के उधर एक क्रॉस करके रोड और जाते जाते रास्ता में शिवजी पार्क ग्राउंड देखे आगे जाएंगे। ये देखिए एक बड़ा एकदम बढ़िया एकदम हाइट कोहिनूर स्क्वायर शिवजी पार्क, वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक व्यू। ഇപ്പം നമ്മൾ ശിവജി പാർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്, നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ കണ്ടുപോകുന്നു. ഇതാ ഈ റോഡിനെതിർവശത്ത് കാണുന്നതാണ് ശിവസേനയുടെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം. പാൽ താക്കറയുടെ ചിത്രമാണ് കാണുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര ശിവസേന പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി കാ നേതാ ഥാ ലീഡർ ഥാ ഫൗണ്ടർ പാൽ താക്കറി എന്നാ കാ മെയിൻ കാര്യാലയ ഹേ ദാദർ പേ. അഭി റോഡ് ക്രോസ് കർക്കേ ആഗെ ശിവജി പാർക്ക് കാ സാമനേ പഹുഞ്ച് ഗയാ. देखो बच्चे खेल रहे, एकदम बड़ा ग्राउंड है शिवजी पार्क और इसके आगे इसके पीछे सामुदर के साइड है। ये देखिए वीर छत्रपति शिवजी और उसका परिवार, उनके साथियों योद्धालु के साथ परिवार के साथ वो पिक्चर दिख रहे हैं इधर। अरे कितना बड़ा ग्राउंड है, देखिए एक बिल्डिंग का एक व्यू है दूर दादर वेस्ट साइड में। तो एक मंदिर के उधर पहुंच गया, साइड में एक मंदिर है गणपति मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? गणपति। द ग्रेट छत्रपति शिवजी महाराज का स्टैच्यू। शिवजी महाराज ने 1674 में छत्रपति बन गया था रायगढ़ फोर्ट का और मराठा एम्पायर बन गया बाद में, और मराठा किंगडम को रूलिंग करके फॉरेन इन्वेडर से बचाया था हमारा देश का ये श्रेष्ठ महान वीर योद्धा। जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। वीर सावरकर स्मारक मेमोरियल बिल्डिंग के पास पहुंच गया हमने। अभी एक एक स्टेप ऊपर चल के जाने का है, बड़ा बिल्डिंग है, कितना अच्छा बनाया। हमारे इंडिपेंडेंस का एक अजीब सा एक फाइटिंग चलाया इसने 28 मई 1883 बागूर नाम से जगह में महाराष्ट्र में जन्म हुआ और इनका डेथ हुआ 1966 फरवरी 26। इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ब्रिटिश लोग को फाइटिंग करके इन्होंने अरेस्ट करके एक सेलुलर जेल में डाला था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। March 13, 1910 में वीर सावरकर जी को अरेस्ट किया था विक्टोरिया स्टेशन लंदन में। वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे रहता था उसी टाइम, और July 22, 1910 स्पेशल ट्राइब्यूनल उनको बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रायल किया। उसके बाद डोंगरी जेल बॉम्बे में था July 4, 1911 एक साल के बाद पोर्ट ब्लेयर जेल अंडमान में लेके आया था। 1921 उनको वापस इंडिया में शिफ्ट किया और 1937 में वीर सावरकर जी को अनकंडीशनल फ्रीडम मिला जेल से, उनको रिलीज़ किया। 27 साल जेल में स्पेंड किया था। ये जो दिख रहे सावरकर जी ने स्पेंड किया सेलुलर जेल है अंडमान्स का पोर्ट ब्लेयर में, ये जो सेलुलर जेल फेमस है। जय वीर सावरकर, भारत माता की जय, वंदे मातरम।
वीर सावरकर जी का लाइफ का अच्छा टाइम पूरा जेल में था और 27 साल में 10 साल ये काला पानी जेल में था। काला पानी बुलाता, किसी को देखने को नहीं मिलता है कि अंधेरे में बैठा अकेले। 1924 में जेल से रिलीज करके ओके, उसके बाद 1937 में पूरा भारत देश में ट्रैवल करके इंडियंस का यूनिटी के लिए, और बाद में 1938 में मुंबई मराठी साहित्य सम्मेलन का प्रेसिडेंट बन गया था। मैं वहाँ से बाहर निकल गया शिवजी पार्क के मैदान के पास, रोड के ये साइड में सामुदर के किनारे एक अच्छा सा गार्डन बनाया। ये गार्डन में लोग आराम करने को आता है शाम का टाइम, बच्चे बड़े लोग सब आते हैं। देखिए कितना सुंदर बनाया ये गार्डन, और बैठने का जगह है। देखिए कितना सुंदर है, सनसेटिंग का टाइम है। लोग इधर बीच के साइड में सब लोग खड़े होके एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सुंदर है, अच्छा व्यूज। देखो अभी दूर दिख रहे हैं बांद्रा लैंडसेंट, और वहाँ भी वॉर्ली से आने वाला सी लिंक ब्रिज है, अभी सामने से दिखाता है आपको। वो बांद्रा एरिया है वो जो दिख रहा है, वॉर्ली से बांद्रा तक कनेक्ट होता है सी लिंक प्रोजेक्ट, ये जो दिख रहा है दूर, और सामने से दिखाता है आपको। अभी इधर आके देखा वापस वो गोल्डन बॉय को, यहाँ पे खड़ा है वो, यहाँ पे इनका परमानेंट प्लेस है ऐसा बोलते हैं। देखिए मैं भी एक बार इनका देखे, थोड़ा सा उधर रुक गया और थक गया अभी। अभी वापस आने का टाइम हो चुका है, अभी जाने का है, वापस वाइंड अप करना है। उसके पहले आपको और एक बार ये सनसेट दिखा रहे हैं। वो फुटपाथ से निकल गया, तभी एक अच्छा सा चाय पीने को मिला, ये काला चाय मिंट डाल के अच्छा सा चाय पिया। उधर बैठ के फर्स्ट क्लास टी साइकिल वाला से मिली, विथ योर परमिशन मैं चाय पी रहे और यहाँ से निकल रहे। अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। तब तक धन्यवाद।